दोस्तों जो आप एक दिन ना पढ़ के ना, और जो आप एक दिन पढ़ते हो फिर 3 दिन का गैप कर लिया, फिर दूसरे दिन पढ़ते हो फिर 4 दिन का गैप कर लिया, आप ऐसे पढ़ के अपने घर वालों को बेवकूफ़ बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। भाई आपको उस चीज़ का अंजाम नहीं पता कि आपको उस चीज़ का अंजाम क्या मिलेगा। आप अगर एक दिन नहीं पढ़ोगे ना तो उसका नतीजा आप नहीं सोच सकते हो। भाई 5 से 10 करोड़ बच्चा तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की, ठीक है। अगर आप एक दिन नहीं पढ़ोगे ना तो समझ लो उस एक दिन के अंदर अंदर ना आपसे 10,000 स्टूडेंट आगे निकल जाएंगे। आप एक दिन नहीं पढ़ोगे ना तो एक दिन का नुकसान इतना तकड़ा पड़ जाएगा आपको, बहुत ही तकड़ा पड़ जाएगा। एक दिन ना पढ़ने से 10,000 स्टूडेंट आपसे आगे निकल जाएंगे, ये उम्मीद लगा के बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये आप बहाने करते हो ना, मुझे आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, भाई ये सब बहाने होते हैं, ठीक है। भाई एक दिन भी मिस मत करो, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ। और जो जिस स्टूडेंट को सब कुछ मिल रहा है यार, आज के टाइम में आपके पास एक स्मार्टफोन है, आपके पास फ्री एजुकेशन मिल रही है यूट्यूब पे, रीजनिंग की क्लास मिल रही है, मैथ की मिल रही है, हिंदी की मिल रही है, ज्योग्राफी हिस्ट्री सारी क्लासें आपको अवेलेबल फ्री में मिल रही है। तो यार अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो आपसे बड़ा पागल इस दुनिया में कोई नहीं है। बस आप ज़िंदगी में आप टाइम वेस्ट ही करते जाओगे, ये सच बता रहा हूँ मैं। भाई मैं पागल उन बच्चों को बता रहा हूँ जो एक दिन पढ़ते हैं फिर 3 दिन की छुट्टी मार ली, फिर एक दिन पढ़ते हैं फिर 4 दिन की छुट्टी मार ली। भाई मैं उनके लिए बता रहा हूँ, मैं उनके लिए नहीं बता रहा हूँ जो रेगुलर पढ़ते हैं ना। भाई जो रेगुलर पढ़ता है ना, एक दिन भी मिस नहीं करता ना, तो आगे चल के उनको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। वो मेहनत आपको ऐसी सफलता दिलाएगी, आपको वो मेहनत एक एक दिन जोड़ के, जिस दिन आप एक दिन भी गैप नहीं करोगे ना तो वो मेहनत आपको सक्सेसफुल बनाएगी, वही मेहनत। और जो बच्चा एक दिन का गैप मान लेता है, 2 दिन का गैप मान लेता है, भाई आपको बहुत ही बुरा अंजाम मिल सकता है उससे, ठीक है। मैं बस वीडियो में यही बताऊंगा, एक दिन भी मिस मत करो, अपनी स्टडी को रेगुलर रखो और पढ़ाई करते रहो, वरना आपको पता है कि एक दिन से आपका कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है। बस मुझे आपको इस वीडियो में यही बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।